Hello and welcome to Competition Community again. Today we are going to do an important topic, vocabulary usage. Aapne sab vocabulary padha? Phrasal verbs, idioms, phrases, antonyms, synonyms, ye sab aapne padha. Lekin question kaise aata hai, wo aaj hum padhenge, theek hai? Kaun-kaun se form mein aa sakta hai, isko aur kaise form mein diya ja sakta hai, ye aaj apan discuss karenge. So I have jotted down some of the questions which actually comes in your examination. You have already seen the paper, you know how the things are asked, okay? But even then we will discuss ki kaise ye cheez deta hai aur hum itni simple cheeze dete hain. CGPSC ka main baar baar samjha rahi hu, CGPSC mein English ko bahut zyada check nahi karte hain, in the sense ki wo bahut zyada high five cheeze nahi dete aapko. Reason, you have to learn n number of things in regard to the language which you are choosing as a medium. क्योंकि आप किसी भी पोस्ट पे बैठते हो तो आप कोई ना कोई एक लैंग्वेज में यू नो वेरी एप्ट होते हो, सो दैट आप चीज़ों को फॉरवर्ड कर सको, कैरी फॉरवर्ड कर सको या फिर उन चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन ला सको. ठीक है, दैट इज वाई लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, दो इट में बी इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी. क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारा वो लैंग्वेज भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जिनसे आप कम्युनिकेट करेंगे वो यहाँ के लोकल लोग होंगे मैक्सिमम. ठीक है, तो इसलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल पर करता है. तो जब हम एग्जाम वाइज लेते हैं तो ये सिर्फ वो चीज़ों को चेक करता है कि हाउ यू एक्चुअली नो द लैंग्वेज, हाउ मच यू नो. क्योंकि आप जितना अच्छे से लैंग्वेज को समझ पा रहे हो उतने ही अच्छे से उसको इंटरप्रेट कर पाओगे और आप चीज़ों को फॉरवर्ड कर पाओगे. तो दे डू नॉट एक्चुअली गिव यू वेरी यू नो वर्ड्स दैट आर आउट ऑफ बॉक्स और समथिंग लाइक दैट. नो, दे गिव यू सिंपल वर्ड्स विच यू नीड, यू नो द मीनिंग ऑफ, बट समटाइम्स यू आर unaware of the similar word or the opposite of that or somewhere or the formation of the sentences and all. So vocabulary, abhi aage bhi padhenge hum log, iske alawa aur bhi questions hain. This is first portion which I have written. To pehle hum dekh rahe hain, give the word which means the same. Jaise likha hoga which means the same, iska matlab hum kiski baat kar rahe hain, synonyms. Yani ab aapko kya likhna hai, meaning nahi likhna hai word ka. You don't have to write the meaning of the word. You have to write the synonym. That means samanarthi shabd likhenge. Similarly, write the word that means the opposite. Jaise likha the opposite, that means you are talking about antonyms. Theek hai? You are talking about antonyms. This was synonyms. Clear? Pehla. So ye means the same likh rahe hain. That means aapko meaning nahi batana hai. You don't have to give the meaning of the word. You have to write the synonym of the word. Okay? Next. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है रीअरेंज द लेटर्स. हाँ, समटाइम लास्ट टू लास्ट ईयर आपके सीजीपीएससी में पूछा था, कुछ ऐसे दो थ्री वर्ड्स फोर वर्ड्स वो गिवन, जिसका क्या किया था उन्होंने, लेटर को क्या कर दिया था, रीअरेंज करने के लिए दिया था, सो दैट यू फॉर्म अ गुड इंग्लिश वर्ड. तो इट हैज़ टू बी एप्ट ओनली वेन यू नो द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड, क्योंकि हम उसको गेस नहीं कर सकते बहुत देर तक बैठ के. ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेल द वर्ड करेक्टली. Some words might be given, जिसमें कि स्पेलिंग एरर्स होगा, आपको स्पेलिंग सुधार के उसको लिखना है. तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. नाउ कम्स राइट द फ्रेजेस, राइट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस. समटाइम्स दे राइट इनकरेक्ट फ्रेजेस एंड गिव एंड यू हैव टू चेक आउट व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. ठीक है, समटाइम्स दे गिव द वर्ड्स एंड यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अपन सिनोनिम्स. इन दिस वे यू विल आल्सो हैव सम मोर वर्ड्स एडिंग ऑन टू व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट वीडियो. ओके, चलो, एबल द सिनोनिम ऑफ एबल कैन बी केपेबल. और दोनों का मतलब क्या हो गया, कुछ भी चीज करने के लिए हमारे सक्षम है. ठीक है, हमारी हम कर सकते हैं वो चीजों को, एबल केपेबल. अग्री, दैट मीन्स नाउ यू आर गोइंग टू अग्री विथ समथिंग. अग्री मतलब होता है किसी चीज में सहमति देना. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या सिनोनिम लिख रहे हैं, एग्री कंसेंट, कंसेंट सॉरी कंसेंट. ठीक है, यानी क्या तुम उस चीज के लिए एग्री करते हो, तुम्हारा कंसेंट है. जैसे बोलते हैं ना कि आप कंसेंट पेपर साइन करा के लाएंगे. ठीक है, जब हम लोग कहीं जाते हैं पिकनिक पे, ट्रिप्स पे या फिर फॉर सर्वेज एंड ऑल, तो हमको एक कंसेंट लेटर देना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ों के लिए हम अग्री कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग और प्रोसीडिंग फॉर द थिंग्स. ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपना एग्रीमेंट दे रहे हैं, हम अपना एग्री यानी सहमति दे रहे हैं. नाउ बिजनेस मीन्स जो हम कर रहे हैं, जिसमें हमको प्रॉफिट लॉस होता है, हम कुछ देते हैं कुछ ले रहे हैं, किसी को इम्पोर्ट कर रहे हैं, किसी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस. तो सिनोनिम क्या हो गया, ट्रेड. Trade means also the same thing. The trade, business, able, capable, agree, consent, find, discover, ढूंढना. दोनों का ही मीनिंग क्या हुआ, ढूंढना.
कुछ पाना, ठीक है. नेक्स्ट इज थिंक, द सिनोनिम ऑफ थिंक, पॉन्डर. और प्लीज याद रखना, नाउ डेज इट इज यूज्ड वेरी कॉमनली. डिड यू पॉन्डर ऑन द पॉइंट्स आई गेव यू? डिड यू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव सेड? डिड यू पॉन्डर अबाउट द प्रपोजल आई सजेस्टेड? तो यू आर पॉन्डरिंग, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग. तो पॉन्डर, थिंक, सिनोनिम्स. यू आर नॉट राइटिंग द मीनिंग्स, यू आर गिविंग द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन अबाउट. ओके, now comes write the word that means the opposite, that means antonyms of the word. arrive matlab pahunchna, depart matlab wahan se alag hona, opposite of arrive. okay, innocent matlab iska matlab hota tha pahunchna, to iska matlab hota hai nikalna ya chhodna. theek hai, innocent masoom, to opposite will be guilty. if you are innocent you will be left by the police, but if you are guilty you will be punished. yani guilty hona matlab ha galat karna. theek hai, achieve hasil karna, achieve hasil karna, fail to do, fail to achieve means nahi pana. theek hai, blunt मतलब होता है जैसे चाकू अगर ब्लंट है तो कटेगा नहीं ठीक से, तो क्या बोलते हैं उसको, मतलब समथिंग दैट इज नॉट वेरी शार्प. द ऑपोजिट ऑफ ब्लंट इज शार्प. आई थिंक यू गॉट योर हिंदी वर्ड. तो जब चाकू ब्लंट होता है तो काटना मुश्किल होता है, कैंची ब्लंट होता है तो अच्छे से बाल कटिंग नहीं कर सकते आप, तो इट हैज टू बी वेरी शार्प. ओके, generous, generous मतलब होता है very kind, innocent, nice, good. just opposite is stingy. okay, now this is antonyms and synonyms that comes in your exam in the same way. so they can give you two words to write the synonyms and two antonyms, or they can give you four words and give you off 2 marks. it can be any ways. okay, now coming up to third question that comes, that is rearrange the letters to make meaningful words. मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. अब लेटर्स को रीअरेंज करना है तो कोशिश करने के लिए कैसे करते हैं? अब जैसे इसमें दो हो, जनरली ऐसे वर्ड्स देंगे जिसमें दो एक जैसे लेटर होते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं हमको. ठीक है, तो स्पेलिंग का सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस होता है स्पेलिंग एरर के लिए भी, चाहे वो स्पेलिंग मेकिंग के लिए हो या रीअरेंज द लेटर्स के लिए हो, जनरली वो क्वेश्चंस देते हैं जिनमें डबल लेटर्स होते हैं, एक ही लेटर दो बार. ओके, तो वी हैव टू लेटर्स, ओ जी है और एम है, बिकॉज आई कैन मेक. ठीक है, तो लिखते हैं एल ओ ओ, बायोलॉजी नहीं हो सकता, इकोलॉजी नहीं हो सकता, तो ये है ग्लूमी, जी एल डबल ओ एम वाई, ग्लूमी. वेरी सिंपल वर्ड, वेरी इजी वर्ड. ग्लूमी मतलब होता है अपसेट, ऐसा. दैट इज गुड. दिस इज स्माइल, है ना, gloomy, you're upset, you're sad. okay, इसको तो देख के समझ जाना चाहिए. क्यू हर दो बार यू दिख रहा है, यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक. आ गया तब सब लेटर्स, यू है दो बार, यू है. ठीक है, नेक्स्ट इज ए ओ आर, आई कैन अंडरस्टैंड द वर्ड, इट इज पी ए आर डी ओ एन, pardon. just think, it's so simple words, but when it is given to rearrange, it's so difficult. now understand, this is how they actually check your consciousness, or they check your promptness of the answer. okay, now this is c l u c d y. okay, very easy, c l o u d y, cloudy. okay, next is R डबल है, E भी डबल है. ओके, वेरी इजी, रीस्टोर. दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम इन योर एग्जामिनेशन, रीस्टोर. तो पहला क्या हो गया, ग्लूमी दैट मीन्स सैड, यूनिक दैट मीन्स अपने आप में एक, दैट मीन्स स्पेसिफिक पर्टिकुलर वन ऑफ इट्स काइंड. पार्डन मतलब होता है टू गिव एक्सक्यूज और टू से सॉरी. ठीक है, क्लाउडी यू नो वेदर, रीस्टोर किसी चीज को वापस रखना यानी स्टोर करके रखना. ठीक है, रीस्टोर. ओके, नाउ कम्स द स्पेल द वर्ड करेक्टली. सम ऑफ द थिंग्स विल बी गिवन रॉन्ग एंड यू हैव टू करेक्टली स्पेल इट.
The first is gallant. The spelling of gallant is G A L L A N T. Gallant. Bravery awards देते हैं ना, bravery के लिए जो मिलता है, that is gallant. ठीक है, brave, braveness. This is cautious. Okay, C A U T I O U S. Only one word you have to create, one letter. Cautious. Villain. Spelling of villain is dub. सिर्फ डबल एल लगाने से सही नहीं होगा. सी वी आई डबल एल ए आई. कभी कभी वो यहाँ डबल एल भी देखे फिर स्पेलिंग लिख सकते हैं. पीपल विल नॉट द ऑलवेज रिमेंबर विलेन इज ए आई नॉट आई ए. ठीक है, विलेन. डेनाउंस डी ई एन ओ यू एन सी ई. डेनाउंस. ओनली वन करेक्शन, एस की जगह क्या लिख रहे हैं अपन, सी. ओके, फोरमोस्ट. Foremost spelling is F O R E M O S T. तो इस four का मतलब ही होता है पहले, यानी foremost मतलब हो गया जो सबसे ज्यादा जरूरी है या prior है, priority आपकी क्या है. ठीक है, that is foremost. Denounce means to be apt. This is how some of the type of questions come. This is case synonyms पूछ सकते, simple भी पूछ सकते, give the synonym of, give the antonym of. It can be both ways. तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप जब उसको पढ़ो तो आप उसका मीनिंग ना लिखो. अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द वर्ड. फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं मेक द सेंटेंसेज आउट ऑफ दिस वर्ड. दिस इज ऑल्सो वोकैबुलरी यूज, दैट इज नॉट ग्रामर. ओके, एंड देन कम्स फ्रेजेस. अब आगे देखते हैं सेंटेंस मेकिंग एंड फ्रेजल वर्ड्स. ओके, जस्ट नाउ चेक द नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. पहला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ड ऑपोजिट. वर्ड ऑपोजिट इन meaning. Again we are talking about antonyms. Are antonyms? Again, that means in the form of fill in the blanks also they can give you the question, so that you have to understand ki kaise kaise question humko mil rahe hain. Theek hai, to hum fill in the blanks same aise likh sakte the, fill in the blanks with the word same is similar in meaning of the underlying words. अब अंडरलाइन वर्ड्स पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए. अंडरलाइन वर्ड्स पे सेंटेंस मत पढ़ो. नो नीड टू लर्न द और रीड द सेंटेंस और वेस्ट योर टाइम. नो नीड, बिकॉज यू आर एक्चुअली राइटिंग द ऑपोजिट ऑफ समथिंग. ठीक है, लेकिन जब आपको किसी में कंफ्यूजन होता है जिसमें ऐसा लगता है कि नहीं इस वर्ड का ये भी होता है ये भी होता है, तब आप एक बार सेंटेंस रीड करो. और वैसे भी देखो बेटा, मैं कितना भी मना करूंगी ना तो एक बार तो आप रीड करने से अच्छा है देखो सेंटेंस को. व्हेन यू सी यू आर एक्चुअली रीडिंग. लेकिन जब आप रीड करके सोचते हो तो यू आर टेकिंग मोर टाइम. ऑलवेज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी ऑफ आर आंसर्स. तो बी वेरी एप्ट व्हेन एवर यू डूइंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, तो फर्स्ट वन, गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल वाइल आयरन इज. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड आयरन. वन इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव अगर गोल्ड और आयरन की बात कर रहे हैं और लिख रहे हैं इज एन एक्सपेंसिव मेटल, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि महंगा है. तो आयरन कैसा होना चाहिए, चीप. सी एच ई ए पी. एक और एंटोनिम मिल गया आपको. एक्सपेंसिव का ऑपोजिट क्या होता है, चीप. ओके, नेक्स्ट, ऑफन. ऑफन यानी समय की बात हो रहा है. ऑफन, रेयर, सेल्डम, समटाइम्स, नेवर. यू आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, और फ्रीक्वेंसी. तो हम कह रहे हैं ही विजिट्स मी ऑफन. ऑफन ही विजिट्स मी, बट आई डैश गो टू हिज हाउस. ऑफन मतलब होता है अक्सर. तो मैं बहुत ही कम, यानी रेयर, यानी कि सेल्डम. अगर हम उसकी बात करें तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, सेल्डम, यानी ना के बराबर. वो अक्सर आता है पर मैं तो एकदम ना के बराबर जाता हूँ उसके घर. ठीक है, तो ऑफन सेल्डम. जस्ट टाइम, प्लीज नोट डाउन. जब नोट बना रहे तो लिखो कि ऑफन क्या है, टाइम. अब रिवाइज करना एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बोथ. ठीक है, नेक्स्ट इज माई एप्लीकेशन. अच्छा, रिजेक्टेड. अगर ये रिजेक्ट हुआ था इसका तो मेरा क्या हुआ होगा, एक्सेप्टेड. And don't change the verb form. If it is verb, it has to be in the same form. Was के साथ ed form है, तो यहाँ पे भी was के साथ ed form होगा. Okay? Next, he dash but is timid. Timid मतलब होता है डरपोक, जो साहसी नहीं होते, dumb होते हैं, उनको कहते हैं timid. ठीक है, mild, timid इनको कहते हैं. तो अगर ये साहसी नहीं है तो ये कैसा होगा, साहसी होगा. तो timid का just opposite हो गया brave, यानी brave का just opposite हो गया timid. Okay, antonym. Next, failed है तो दोनों हो सकता है हमारे पास, past भी succeeded भी. अब check करो sentence. Qualification की बात हो रही है, qualify करने की बात हो रही है. पहले match में qualify नहीं हुआ, दूसरे में, तो इसमें fail past नहीं लिखते हैं.
इसमें लिखते हैं सक्सी, बिकॉज इट इज ईडी फॉर्म, दैट मीन्स योर द सेंटेंस इज इन पास्ट पास्ट टेंस, सो यू हैव टू राइट सक्सीडेड. समझे बेटा, यानी कि हम जब वर्ब फॉर्म लिख रहे हैं तो भी चेक करना जिस वर्ब फॉर्म में पहला वाला होगा उसी में दूसरा वाला होगा. इट विल नॉट चेंज बिकॉज द सेंटेंस हैज ओनली वन टेंस, दो इट मे बी रिटन इन सेपरेट वेज और इट मे बी द डायलॉग ऑफ समबडी एल्स, बट द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज वन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट कैन बी गिवन, नेक्स्ट इज गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस अंडरलाइन. या ऐसे दे सकते हैं या सिंपल आपको जो दो चार फ्रेजेस दे सकते हैं उसका मीनिंग दे सकते हैं. पर ऐसे पढ़ने में फायदा क्या है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, जनरल बच्चे क्या करते हैं फ्रेजेस और मीनिंग पढ़ते हैं. आप ऐसा ना करें, आप ऐसे वाला सेंटेंसेस को ज्यादा प्रैक्टिस करो. रीजन बता रही है मैम, जब आप ऐसे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करोगे ना तो मीनिंग तो ऑटोमेटिक आपको पता होना ही पड़ता है क्योंकि उसमें लिखा ही है गिव द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस. लेकिन आपको एक चीज एक्स्ट्रा अच्छी सी समझ आ जाती है कि इन फ्रेजेस को सेंटेंस में कैसे रखा जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस एक पन दो काज हो रहा है. तो मेरे बच्चे वैसे सेम फ्रेजेस और मीनिंग्स ना पढ़ के ऐसे पढ़ेंगे. तो प्रैक्टिस दिस मोर, द मोर यू प्रैक्टिस दिस द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेजेस आर केप्ट इन अ सेंटेंस और हाउ सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड विद फ्रेजेस एंड इडियम्स. ओके, तो पहला वाला देखते हैं, द फेयर एंड स्क्वेयर पॉलिसी ऑफ द चेयरमैन. अब इसमें शायद नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई कर, इसमें सेंटेंसेस पढ़ना बेटा क्योंकि सेंटेंसेस पढ़ के शायद आप उसको गेस कर पाए. द फेयर एंड स्क्वेयर पॉलिसी ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन का फेयर एंड स्क्वेयर पॉलिसी, ठीक है, ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी हैज मेड हिम पॉपुलर. यानी इसकी जो फेयर एंड स्क्वेयर पॉलिसी थी उसकी वजह से बहुत पॉपुलर, यानी कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा. इट्स मीनिंग इज ऑनेस्ट. फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है ऑनेस्ट, तो उसकी ऑनेस्ट पॉलिसीज ने उसको पॉपुलर या मशहूर बनाया है. ठीक है, नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून वी मीट ईच अदर, हम मिलते हैं. वंस इन अ ब्लू मून यानी क्या कहते हैं उसको, वेरी सेल्डम, वेरी रेयर, कभी कभार होने वाला, वेरी रेयर. ठीक है, वेरी रेयर, ईद का चांद बोलते हो आप उसको, कहाँ थे भैया आजकल दिख नहीं रहे थे आप, ईद के चांद हो गए थे बोलते हो. तो द वंस इन अ ब्लू मून मीन्स समथिंग विच हैपन्स वेरी रेयर, विच हैपन्स वेरी रेयर, हैपन्स वेरी रेयर, वो चीजें जो बहुत कम होती हैं, अक्सर नहीं होती या बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत कम होती, दैट इज कॉल्ड वंस इन अ ब्लू मून. देखो कितने अच्छे से सेंटेंस में रखा गया है, तो आपको फॉर्मेशन समझ में आ रहा होगा, हाउ इट इज केप्ट एंड हाउ इट इज बीन अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट, इन द एंड, इन द एंड He had to eat the humble pie. Pie, apple pie सुना होगा, तो ये humble pie कैसे हो सकता है? Humble मतलब होता है विनम्र, kind, दयालु, ऐसा. तो humble कैसे खाया जा सकता है? That's a phrase. It will not have literal meanings. इनके literal meanings नहीं होते हैं. शाब्दिक अर्थ इनमें नहीं दिया जाता. तो कहते हैं ना, जहर का घूंट पी के हम रह गए. जहर का घूंट पीना, पीता तो नहीं है कोई, पर वो पी जाते हैं. That is called humble pie. तो इसका मतलब होता है humble apology. Humble apology, यानी आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है, apology, humble apology means, अब जैसे कहते हैं ना कि मैं हाँ उसने मुझे, मेरी कोई गलती नहीं थी, आई देर वॉज नो मिस्टेक, इट wasn't माई मिस्टेक, इट वॉज माई फ्रेंड्स मिस्टेक, बट इवन देन माई फादर scolded मी एंड when he scolded me, आई जस्ट, what did आई डू, आई ate द humble pie. रीजन, बिकॉज इट वॉज अबाउट माई फ्रेंड, तो मैं फ्रेंडशिप के लिए क्या किया मैंने, वो जहर का घूट खुद पी लिया. ओके, नाउ पेरेंटल प्रॉपर्टी, एक मिनट में समझ में आ जाएगा. पेरेंटल प्रॉपर्टी हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सिबलिंग्स, भाई बहनों में जो पेरेंटल यानी कि जो माँ बाप का जो कहते ना जमीन जायदाद होता है, उसकी वजह से क्या होता है, लड़ाइयाँ. तो बोन ऑफ कंटेंशन जैसे ना कि तुम तो वो बन गए हो, गले का हड्डी है ना, कहते हैं गले का हड्डी, जैसे बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कॉज ऑफ क्वारल, cause of quarrels, q u a r r e l, double r e l, ठीक है, cause of quarrel, yani bone of contention means cause of quarrel. Okay, next is his arrogant behavior with others has left him high and dry. His arrogant behavior yani ki uska jo acha behavior jo hai, soumya behavior nahi hai, and because of this he has left, it has left him, उसको किस, उसने उसको कैसा छोड़ दिया गया है, बिल्कुल अकेला, मतलब उसकी बिहेवियर नहीं, उसको कैसा बना दिया है, अकेला या भीड़ से एकदम अलग.
हाई एंड ड्राई मीन्स होता है आइसोलेटेड. प्लीज लर्न द मीनिंग्स इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी. ठीक है, हिंदी में समझो लेकिन लर्न तो इंग्लिश में ही होना चाहिए, बिकॉज योर आंसर हैज टू बी रिटन इन इंग्लिश. एक ट्रांसलेशन को छोड़ के बाकी सब चीज इंग्लिश में होता है. तो लर्न द मीनिंग्स इन इंग्लिश सो दैट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मीनिंग आता है पर हम उसको अपने वर्ड्स नहीं दे पाते. यही तो हो रहा है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में भी, कि वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट द वर्ड एक्चुअल वर्ड इन इंग्लिश इज यू नो मिसिंग. तो जब हम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, कोशिश करना इस फॉर्म में फ्रेजेस को याद करने का, सो दैट यू गेट टू नो द सेंटेंसेज ऑल्सो एंड हाउ इट इज मीनिंगफुल ऑल्सो. ओके, एंड देन रीड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस. तो फेयर एंड स्क्वेयर मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट. वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या है? दैट हैपेंस वेरी रेयर. ठीक है, समथिंग हैपेंस वेरी रेयर या सिर्फ हैपेंस वेरी रेयर भी लिखोगे चलेगा. इन दर ईच द हम्बल पाई मीन्स हम्बल अपोलॉजी एंड बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स कॉज ऑफ कोरल. अब ये किसी के लिए भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट पेरेंटल प्रॉपर्टी ओनली. इट कैन बी फॉर द कंपनीज, इट कैन बी फॉर योर स्टडीज, इट कैन बी अमंग फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप एनीवेयर. ठीक है, नाउ हिज एरोगेंट बिहेवियर विद अदर्स हैज लेफ्ट हिम अ हाई एंड ड्राई मीन्स आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स अकेला, अबैंडन जिसको कहते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू गो थ्रू द सेंटेंसेस. नाउ वी विल डू मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस. ये इंपॉर्टेंट है. वर्ड देखते हैं, फिर उसका मीनिंग चेक करते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस बोलते हैं. ठीक है, हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. ओके, देखो बेटा, जनरली जो आपको पीएससी में दे रहे हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं देते, लेकिन हाँ हम ये मान सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग लेस इन नंबर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश और वी डू नॉट कन्वर्स इन इंग्लिश, हम बातें नहीं करते उसमें, तो हमें डिफिकल्ट लगता है वर्ड्स. बट इवन देन वो कुछ ऐसे ही वर्ड्स देते हैं जो सुना हुआ होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लकी, मैग्निफाई, मीन, बेनिफिशियल, क्लोजल. तो कहीं ना कहीं इनका मीनिंग, कुछ तो ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग आपको आता होगा और वो मैक्सिमम आपको देते हैं 4 वर्ड्स. मैक्सिमम बोल रही मैम, ठीक है, मिनिमम 2 भी देते हैं, नॉट 1, 2. तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड्स के 2 मीनिंग बनाने हो और फ्रेजल या idioms के 2 वर्ब्स मीनिंग बनाने हो या सेंटेंसेस बनाने हो. दैट मीन्स इट कैन हैव, दे कैन हैव बोथ द थिंग्स इन द मेकिंग सेंटेंसेस. लाइक फ्रेजेस ऑल्सो दे कैन गिव फॉर मेकिंग सेंटेंसेस एंड दे कैन गिव द सिंपल वर्ड्स ऑल्सो टू मेक सेंटेंसेस. दोनों में ही अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो डोंट ट्राई, बिकॉज रॉन्ग सेंटेंसेस गिव रॉन्ग नोशन अबाउट योर राइटिंग. आप मतलब ऐसा लगता है जैसे जो भी पढ़ेगा, जैसे अगर आपने सिर्फ पन्ने भरने के लिए कुछ ना कुछ लिख दिया है तो जनरली वो क्या है, आपके लिए गलत इंप्रेशन देता है रीडर्स को. एक नॉर्मल थिंकिंग है. तो व्हेन एवर अ टीचर रीड समथिंग एंड इट इज रॉन्ग एंड द पेजेस आर कंप्लीट एंड सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे जस्ट कॉपी द लाइंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर इन द आंसर शीट्स. कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते, उन चीजें नहीं आती और आपको लगता है कि मैं कैसे इसको खाली छोड़ दूं, तो आप लिखते हैं. तो ये सब चीजें ना करें. यू आर सिटिंग इन अ कॉम्पिटिशन वेयर यू आर एक्चुअली फाइटिंग विद वेरी गुड स्टूडेंट्स. ठीक है, चाहे वो आपके लेवल के हों चाहे नहीं हों, आपको यही मान के चलना है कि द पोस्ट फॉर विच यू आर फाइटिंग हैज अ ग्रेविटी. ओके, तो जिस पोस्ट के लिए आप ये चीज कर रहे हैं वहां पे ऐसी चीजों को आप ध्यान कृपया ना दें. ये नॉर्मल क्लास, कॉलेज, स्कूल का एग्जाम नहीं है. ठीक है, तो सेंटेंस मेकिंग में आप उन्हीं वर्ड्स को टच करें या उन्हीं वर्ड्स से सेंटेंस बनाएं जिनका सच में आपको थोड़ा बहुत मीनिंग क्लियर है दिमाग में. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन, लकी. वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ लकी. लकी मतलब होता है खुशकिस्मत होना या भाग्यशाली होना. ठीक है, तो लकी को बनाया जा सकता. अब दूसरा चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट, जब मैं सब कर रहा हूँ ध्यान रखना, तुरंत पर्सन को मत सोचो. इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पर्सन ना, तो बहुत कॉमन सेंटेंसेस बनेंगे और सिर्फ जनरली वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. इसीलिए हम एक्चुअली कैसे बनाते हैं सेंटेंस. सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है. ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन फॉर्म में डालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या फिर कोई WH वर्ड जिससे हम शुरू कर सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा. तो ये सब चीजों को दिमाग में रखना. या फिर आप अगर पैसिव में कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप शायद पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे. अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू फॉलो दिस. अगर आप एक अच्छा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये सब चीजें होना चाहिए. या फिर आपको लगता है कि अरे ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये मैं यूज कर सकता हूँ एज अ कोट, यानी कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था या फिर ये किसी हमारे मैनेजर ने कहा था या फिर हमारे प्रिंसिपल ने कभी ये कहा था या हमारे टीचर ने कभी कहा था, मेरे पेरेंट्स ने कुछ कहा था, ऐसे वाले. तो नरेशन फॉर्म में होगा. तो नरेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ही या शी सेड, और उसके बाद
ही राइटली सेड, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे. अल्टीमेटली सेंटेंसेस कैन बी इन एनी फॉर्म. आप ये दो, यू कैन नॉट मेक इट रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका मीनिंग कन्वे हो रहा है आपके सेंटेंस में, इस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए. मीनिंग आना चाहिए मतलब कि वो वर्ड नहीं जो इसका मीनिंग है, उसका अर्थ आना चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस. इट शुड नॉट बी ऑलवेज पुट अप लाइक एन एडजेक्टिव और अ वर्ब. ठीक है, तो जो भी आप लिख रहे हैं उसको इसी फॉर्मेट में लिखना. तो सबसे इजी होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जैसे लिखना, ठीक है, और या फिर इसके जैसा लिखना. ओके चलो हम शुरू करते हैं, मैं दोनों टाइप को बताती हूँ. तो लकी वर्ड से मेरे को बहुत ही अच्छा सा एक वर्ड याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा एक सेंटेंस दिमाग में आ रहा है. इट कैन बी इन बोथ वेज. लकी मीन्स एक्चुअली इट इज फॉर्चुनेट. तो ये आपका एक और वो तैयार हो रहा है सिनोनिम. लकी मतलब होता है फॉर्चुनेट. तो अभी इस कोरोना काल में हम लकी हैं कि हम कहाँ ज्वाइन किए हैं, कोको. हमारी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी. क्यों? क्योंकि हम अभी भी ऐसे से ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जहां मेरी तैयारी को पूरा पूरा न्याय मिल रहा है. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो एक क्वेश्चन फॉर्म में शुरू करें, दोनों टाइप का करते हैं, ठीक है. सॉरी, हाउ लकी वी स्टूडेंट्स आर to join Coco online classes. अब अगर ये लंबा लग रहा है तो सीधे लिखेंगे We are lucky to join Coco क्लासेस. लिख सकते हो ऑनलाइन नहीं लिखना, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस लिखना ड्यूरिंग कोको ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. समझ रहे हो आप लोग? यानी कि अब ऑटोमेटिक आपका अर्थ उभर के आ रहा है. आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि आई एम लकी, यू आर लकी, वी ऑल आर लकी. इट्स अ वेरी नॉर्मल सेंटेंस. जैसे ही आप थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट अपने वातावरण अपना थॉट्स के बारे में सोचने लगे, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को लोगों ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सोचो, चाइल्डहुड, जितना भी इनके बारे में सोचोगे सेंटेंसेस अच्छे आने बनने लगेंगे. जितना पर्सन सोचोगे, पर्सन यानी कि पर्सन नाउन जो था ना, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जितना बार दिमाग में लाओगे तो बहुत कॉमन सेंटेंसेस बनेंगे. दैट इज वाई इट इज बेटर टू यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन as the subject of the statement to build it a very good sentence. क्योंकि आप current affairs पढ़ते रहते हैं, आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने इस पढ़ाई के दौरान जिनको आप as a sentence यहाँ use कर सकते हैं. आप war के बारे में भी लिख सकते हैं. We have studied about different wars. तो आप कह सकते हैं कि कौन लकी रहा इस युद्ध को जीतने में, किन किन कौन कौन जो जिनका भी नाम आप जानते हैं जो राजा ने बहुत अच्छा किया, तो उनकी प्रजा लकी हुए कि वो राजा उनके साथ उस टाइम था. तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ो. डोंट थिंक अबाउट अ पर्सन. इफ यू थिंकिंग अबाउट पर्सन तो आपके सेंटेंसेस कम हो जाएंगे. आई मी ही हिम सोचोगे तो सेंटेंसेस कम हो जाएंगे, गेटिंग मी, और उसका उतना अच्छा मीनिंग नहीं आता है. तो दिस इज हाउ यू विल मेक द सेंटेंस. ठीक है, यू कैन मेक इट एनीवेयर. देखो अब यहाँ पे भी क्या डब्ल्यू एच वर्ड आया, फिर वर्ड लकी लिख दिया हमने, फिर ये क्या सब्जेक्ट और वर्ब. यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड देन द सेंटेंस. You can form it any ways you like. And I am talking about those students, those who are having problem in making sentence. मैं उनके साथ बात कर रही हूँ जिनको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे, या तो आप इस इसमें फॉर्मूला में रखना, और या फिर आप डब्ल्यू एच वर्ड वाले फॉर्मूला में रखना. दोनों में ही सेंटेंस का अगर मीनिंग निकल रहा है तो यू आर गेटिंग मार्क्स. ओके, और जितना छोटा बना सकते हो बनाओ, बिकॉज यू हैव स्पेसिंग प्रॉब्लम. मैं आज इस जब नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाए हैं हम लोग जो बनाऊंगी, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करूंगी, तो उसमें मैं आपको एक आंसर शीट भी दूंगी, मॉडल आंसर शीट, कैसे लिखा लिखना चाहिए आंसर. मैं अपने ही राइटिंग में लिख रही हूँ. दैट मीन्स आपको समझना है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है. कई बार होता है जैसे सेंटेंस अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि यू नीड टू बी वेरी एक्टिव, वेरी प्रॉम्प्ट. जब आप लिख रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि स्पेस कितना है, सेंटेंस कितने लिखने हैं हमारे को, और उसका मीनिंग क्या है. ऑल दीज थ्री थिंग्स. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीफाई. मैग्नीफाई का एक्चुअली मीनिंग मैग्नीफाइंग ग्लासेस. पढ़ा होगा ना आपने, देखा होगा
मैग्नीफाई मतलब नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्यों हम यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लासेस किसी भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, दैट मीन्स वी आर एक्चुअली एक्सपैंडिंग, ठीक है। टू एक्सपैंड, मैग्नीफाई मतलब होता है टू एक्सपैंड, और एक्सपैंडिंग समथिंग बड़ा करना किसी चीज को। तो अगेन एंड आफ्टर हैप्पीनेस, मेरे हैप्पीनेस को क्या बढ़ा सकता है? या तो मेरे कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, और या फिर बीइंग अ नॉर्मल एम्प्लॉय किसी का भी प्रमोशन या पैसे बढ़ते हैं तो खुशी होती है। ऐसी चीजों को सोचो, डोंट थिंक अबाउट नॉर्मल कि आई यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू मैग्नीफाई समथिंग, आई यूज दिस टू मैग्नीफाई दिस। लेट अस सी द प्रमोशंस मैग्निफाइड, द प्रमोशन मैग्निफाइड माई हैप्पीनेस। छोटा सा भी है और अलग भी हो गया, पर्सन के बारे में भी नहीं है, और समझ में मीनिंग इज कन्वेड। द पर्सन हु विल रीड दिस विल ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड प्रमोशन है और हैप्पीनेस है, तो ये मैग्निफाई यानी कि किसी चीज को बड़ाई कर रहा है। आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्निफाइड। गेटिंग मी? दिस इज हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है। अगेन इट वॉज सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट कम्स मीन। अब मीन का दो मीनिंग होता है। मीन मतलब एक होता है मीन मीडियन मोड वाला, जो आपने पढ़ा होगा, जो मीन निकालते हैं ना कि एवरेज इतना है और ये इतना है तो किसका मीन क्या हुआ। नहीं, वो नहीं है। ये एक मीन होता है, दैट मीन्स मीनिंग, ठीक है। तो इसमें जो आप लिख रहे हैं उसका मीनिंग कन्वे होना चाहिए। मैं जिसको लिख रही हूँ उसका मतलब होता है तो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, अनफ्रेंडली, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब देखो कैसे मतलब निकलेगा। अगर मैं नॉर्मल लिखती हूँ कि मीन, तो आप अपने आप उसका मीनिंग समझ पा रहे हो कि नहीं, बिकॉज इट हैज मेनी मीनिंग। ओके, दिस कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मीनिंग्स हियर, बट नाउ हाउ यू विल अंडरस्टैंड विद माई सेंटेंस। ओके, द इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज अ रियल मीन एक्ट, ठीक है। What is the, what I have written? The improper use of natural resources is a real mean act. मतलब हम बहुत मतलबी हैं अगर हम natural resources, water, trees, ठीक है, anything that is animals, everything, these all comes under natural resources. अगर हम natural resources को हम अच्छे से use नहीं कर रहे हैं, improper use कर रहे हैं, ज्यादा use कर ले रहे हैं, बेमतलब का waste कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारा बहुत ही selfish nature है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे problems हुए हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट द पीपल आर वेरी मीन वेन दे आर थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स, ठीक है। द पीपल मे गो मीन वेन दे आर थिंकिंग ऑफ देम सेल्व्स का मतलब ये हुआ, जब हम लोगों के लिए सोचते हैं कि जैसे यार ये गाड़ी से आ रहा है, ही इज वेरी हैविंग कंफर्टेबल लाइफ, बट इफ यू थिंक ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड, तो आप मीन हो रहे हो, कहीं ना कहीं मीन हो रहे हो कि क्योंकि वो कंफर्टेबल आ रहा है तो आप परेशान हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं उसका काम इसलिए आसान हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। दिस थॉट इज एक्चुअली मीन। तो थॉट्स कैन बी मीन, अ पर्सन कैन बी मीन, और एक्ट कैन बी मीन, यानी कि इंसान की जो कार्य है वो भी मीन हो सकता है, यानी सेल्फिश हो सकता है, इंसान खुद सेल्फिश हो सकता है, या उसके थॉट्स यानी विचार जो होते हैं वो भी सेल्फिश हो सकते हैं। जो भी आपको सीधा साधा लगता है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल देखो ना, बेनिफिशियल का मतलब होता है एक्चुअली फायदेमंद, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट है ना, समथिंग दैट यू गेन, इजंट इट। तो व्हेन यू आर बेनिफिटेड बाय, या एडवांटेज, यू कैन से एडवांटेज, ठीक है, एक एडवांटेज या बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड, जैसे अगर मान लो, या फिर इसका मतलब, अब तुम लोग वर्ड का ये भी मीनिंग होता है फेवरेबल, ओके, बेनिफिशियल, फेवरेबल, तो कितने सारे मीनिंग निकल गए।
नाउ सी द सेंटेंस व्हाट आई एम राइटिंग एंड देन फाइंड आउट कि आपको कौन सा मीनिंग इसमें क्लियर हो रहा है. और इनमें से कोई भी मीनिंग अगर क्लियर हो रहा है तो आपको सेंटेंस में मार्क्स उसको देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई संदर्भ से रिलेटेड नहीं है. इट इज अ वर्ड, इट कैन हैव टू मीनिंग. ध्यान से समझना बेटा, कभी कभी वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं. तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, जिस भी वर्ड का मीनिंग में आप सेंटेंस बना पा रहे हैं उसमें आप बनाएंगे, ठीक है. क्योंकि अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है तो दे हैव टू गिव यू मार्क्स. क्लियर? तो सपोज आई एम राइटिंग, It is beneficial to take precautions. It is beneficial to take precautions during lockdown. अब ये इफेक्ट तो बहुत ही कॉमन है. दिस यू कैन एक्चुअली लर्न एंड रिमेंबर ऑल्सो. कोरोना 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 एवरी डे यू आर लिसनिंग टू इट, एवरी डे यू आर लिसनिंग टू यू दैट नेपोटिज्म. सुन रहे हो ना, आफ्टर सुशांत सिंह दिस वर्ड हैज ग्रोन सो मच कि एवरी सिंगल पर्सन नो द मीनिंग. अगर पहले शायद ये वर्ड आता तो किसी को उतना समझ नहीं आता, बट नाउ यू ऑल आर वेरी क्लियर. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द मोर यू यूज द वर्ड्स द मोर इट बिकम्स इजियर. दो इट मे साउंड डिफिकल्ट बट इट वॉन्ट रिमेन डिफिकल्ट. समझना है कि जब हम वर्ड्स को सुनने लगते हैं, जब हम वर्ड्स को बोलने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो वर्ड हमें आने लगता है. ठीक है, तो अब जैसे मैंने लिखा इट इज बेनिफिशियल टू टेक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो मेरा ऑटोमेटिक मीनिंग तुम्हारे को उसमें क्लियर हो गया ना कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल है. तीनों का मीनिंग सेम लगभग आ रहा है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है अगर हम प्रिकॉशन लें. मतलब आप क्योर करने से पहले अगर प्रिकॉशन लेते हो तो आपको होने का डर कम होता है. ठीक है, दिस इज अगेन इट इज अ प्रोनाउन दैट मीन सब्जेक्ट, दिस इज अ वर्ब एंड देन द सेंटेंस गोज ऑन. क्लियर? अगर आप इस फॉर्मूला में चल रहे हो तो सेंटेंस बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा. लास्ट वर्ड इज कोलोसल. अब ये कोलोसल वर्ड गर्ल्स तो बहुत ही सुनी होंगी, कोलोसल काजल देखे होंगे, कोलोसल, और बहुत सुंदर सा आंख वाख दिखाते हैं. ठीक है, तो इट इज नथिंग टू डू विद दैट एंड ब्यूटी. एक्चुअली उसका मीनिंग होता है इमेंस, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, इमेंस स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा की बात हो रही है. तो ये दोनों के लिए काजल में होता है, एक वो डार्क कलर इज वेरी इमेंस स्ट्रॉन्ग और बहुत देर के लिए रहता है, दैट मीन्स अगेन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. तो ये कोलोसल मीन्स होता है इमेंस. ठीक है, मीनिंग इज इमेंस. नाउ आई एम राइटिंग, सपोज हम लोग के यहाँ या तो बच्चे या तो पेट एनिमल्स कहते हैं कि किड्स एंड पेट्स एंड ओल्ड पीपल, है ना. लेकिन अभी हम इनको मान के चल रहे हैं. वन अ सिंगल किड और अ सिंगल पेट कैन, ठीक है, क्रिएट और मेक अ कोलोसल mess, M-E-S-S. mess मतलब समझते हो किसी भी चीज को अव्यवस्थित कर देना. ठीक है, जो सुव्यवस्थित ना हो उसको कहते हैं mess. अब mess के भी कई मीनिंग होते हैं. mess में भी क्या मीनिंग होता है, एक मीनिंग होता है द प्लेस वे यू गो एंड ईट. बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल होता होगा mess, सम हॉस्टल्स हैव मेस, उसको कैंटीन नहीं कहते. देयर इज अ मेस वेयर यू कम एंड ईट. ओके, एंड देयर अगेन वन मोर मीनिंग इज मेस मीन्स अव्यवस्थित चीजें. जब आप किसी भी चीज को अव्यवस्थित कर देते हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेस. देयर इज अ लॉट ऑफ मेस ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के टाइम सब इधर उधर 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 होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ मेस व्हेन समथिंग हैपेंस सडनली एक्सीडेंटली. ठीक है, तो मेस, तो अ सिंगल किड और अ सिंगल पेट कैन क्रिएट और मेक अ कोलोसल मेस, यानी इमेंस स्ट्रॉन्ग वेरी ह्यूज. ठीक है, इफ एक बच्चा ही रहता है तो पूरे सामान को इधर उधर कर देता है. एक पेट होता है तो हमको बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो इसको ना हटा दे, उसको ना हटा. तो वेन यू आर मेकिंग सेंटेंसेस प्लीज रिमेंबर तीन इंपॉर्टेंट थिंग. पहला, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने टाइम दिमाग में क्लियर रखना कि मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है, या फिर मुझे नरेशन या वॉइस में जाना है, ये क्लियर रखना.
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मीनिंग आता है अगर थोड़ा बहुत भी या रिलेट कर पा रहे हो तो ही बनाना. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट टेक पर्सन एज अ सब्जेक्ट. जितना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट और जितना ज्यादा अपने थॉट्स व्यूज को बढ़ाओगे, जितने करंट चीजों को देखते हो, या पास्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, टेक दोज सेंटेंसेस एंड देन मेक इट. आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा और आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हम किसी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, जब हम उसको ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम किसी न किसी मीडियम से पढ़ रहे हैं. तो हमारा तो वैसे भी काम होता है कि हम जनरली किसी भी चीज को इंग्लिश में सोचते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रांसलेट, जस्ट डू इट एंड देन मेक अ सेंटेंस. ओके, चलो विद दिस वी एंड द वोकैबुलरी थिंग्स. वी हैव सम एरर्स एंड ऑल ऑल्सो, बट नो नीड टू गो फॉर दैट. मैं इसको दूंगी आप लोगों को एज अ PDF में दे रही हूँ, उसमें देखना कि वोकैबुलरी में क्या एरर्स आते हैं. एरर्स मतलब स्पेलिंग एरर्स को भी हम वोकैबुलरी एरर्स कहते हैं. अगर हम मीनिंग रॉन्ग कन्वे कर रहे हैं या वर्ड को मैग्नीफाइंग कर दिया यहाँ पे, या मैग्निफिशेंट कर दिया, ठीक है, मीनिंग लेस कर दिया, तो वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है और वर्ब की जगह हम एडजेक्टिव लिख देते हैं, उसको भी हम वोकैबुलरी एरर्स ही कहते हैं. कभी कभी होता है फ्रेज का मीनिंग कुछ और आता है और फ्रेज ही गलत लिख देते हैं. मीनिंग सही आ रहा है पर फ्रेज गलत लिख देता है, तो इम्प्रॉपर फ्रेजेस आर ऑल्सो वोकैबुलरी एरर्स. तो वैसे एरर्स के मैंने दिए हैं आपको कुछ 10-20 क्वेश्चंस, उसको देखना कि कैसे होता है. एनी फॉर्म दे कैन गिव यू द क्वेश्चन, तो यू हैव टू रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो, टेक केयर एंड प्लीज प्रिपेयर वेल, because these all things will help you out to make better use of English in your examination. Okay? Till then, keep smiling.